हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फिर अडोब आफ्टर इफेक्ट की एक नई न्यू क्लास में आपका स्वागत है। तो आज कुछ और सीखेंगे अडोब में कैसे हम एनिमेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने ये एक पीएनजी फाइल आपको अपलोड की थी, तो आज हम सीखेंगे कि इसे एनिमेट कैसे किया जाता है। ये जो फाइल है आप फोटोशॉप में बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये तीनों फाइल आफ्टर इफेक्ट में डाल दी है अभी। तो ये राउंड शेप का जो फाइल है, इसमें आप कोई भी फाइल ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये राउंड में है, मैंने पीएनजी बनाई है ये फोटोशॉप में। तो आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, मतलब मैं सिर्फ आपको एक समझा रहा हूँ। तो इसे डालिए और राइट क्लिक करके प्री कंपोज कीजिए और देन नीचे का ये सेलेक्ट कीजिए मोवो एंड ओके। अभी आपने एक काम और करना है, इसमें हमें एक पैटर्न लेना है। आप जिस टाइप का डिज़ाइन चाहते हैं कि मेरे सेटअप में वो डिज़ाइन आए, जैसे ये राउंड है तो ये मैंने ये एक पैटर्न लिया है थोड़ा वाइट एंड सिल्वर कलर। तो आप इसकी जगह पे कोई भी पैटर्न ले सकते हैं। देन इसे स्केल कीजिए। स्केल करने के लिए सिंपल आप उस इमेज पे सेलेक्ट करो और एस प्रेस करोगे तो आप जो स्केल कर सकते हो। तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, गुड। एंड उसके बाद हमें इफेक्ट में जाना है और मोशन टाइल्स सेलेक्ट करना है। मोशन टाइल है दिस, इसे हमें ये ड्रैग करना है। तो ट्रैक करने के बाद क्या होगा, हम इसकी विड्थ को बढ़ाएंगे। देन उसके बाद हमें इसे करेंगे एमिनेट। तो एमिनेट के लिए टाइल सेंटर पे क्लिक कीजिए। देन हमें ये 5 सेकंड का हम लोग वीडियो बनाते हैं तो 5 सेकंड पे क्लिक कीजिए। देन इसे हमें ऐसे माउस के साथ चाहे हम लोग इसे लेफ्ट में लेके जाएं चाहे राइट में लेके जाएं, हम चाहते हैं कि हमारी ये लाइंस किस साइड में चले उसी साइड में हम लोग इसे ले जा सकते हैं। तो हमारा एन एम जो हमारा डिजाइन है, पैटर्न है, वो इसी साइड में ही चलेगा जैसे आप देख सकते हैं। तो हम इसे लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं और इसे ऊपर कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड है। डिपेंड करता है कि हमने कर्सर माउस, हाँ ओके। देन उसके बाद ये जो ऑप्शन आपका नन का ऑप्शन आ रहा है, ये कई बार नहीं आता तो हमें टॉगल स्विच कर सकते हैं, मोड स्विच कर सकते हैं। इसे अल्फा मोड में कीजिए। अल्फा मोड में जैसे ही हम लोग इसे अल्फा में करते हैं तो क्या होगा कि जो हमारा जो पैटर्न है वो हमारे डिजाइन में आ जाएगा। देन उसके बाद सॉरी हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ से कर्व। बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक नई लेयर बनानी होगी। न्यू लेयर किस चीज़ की, न्यू एडजस्टमेंट लेयर। न्यू पे जाइए एंड एडजस्टमेंट लेयर क्लिक कीजिए, ठीक है। अभी हमें यहाँ सर्च करना है कर्व, CURVE, कर्व। तो कर्व सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। इसमें रेड सेलेक्ट कीजिए, रेड को थोड़ा ऊपर बढ़ाइए। हाँ, यहाँ पे हम लोग अपने हम लोग गोल्डन कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, बट हम अपनी चॉइस से कोई भी इसे कलर बना सकते हैं, बट मैं फिलहाल इसे गोल्डन कलर
थोड़ा बना रहा हूँ, आप कोई भी बना सकते हो। और ये जो ग्राफ है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, किस किस टाइप का चाहिए, तो उस तरह से हम लोग इस ग्राफ को सेट कर सकते हैं। आई थिंक थोड़ा डार्क, थोड़ा लाइट ज़्यादा है, नहीं, तो उस हिसाब से हम लोग जैसे भी अपना करना चाहें वैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आई थिंक ये बेस्ट है, तो गोल्डन कलर में। तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये बन गया है। हम इसे चाहे तो जैसे मोशन टाइल में हमने किया, तो हमने इसे ऊपर की तरफ, हमें ये स्लाइड हो रहा है राइट की तरफ, तो हम लोग चाहे तो इसे लेफ्ट राइट जहाँ से मुझे, हम लोग इसे कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्या करना है, अभी इसमें हमारा रह गया एक सिंपल सा फंडा, एक इसमें कुछ और ऐड करते हैं बॉर्डर। हम तो सिंपली ये बॉर्डर मैंने सिंपली फोटोशॉप में बनाया है, तो आप भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए ये बॉर्डर सिर्फ ये आउटलाइन है, जो हमारा पैटर्न बना है इसकी आउटलाइन है। तो ये आप तो नोटिस करेंगे तो धीरे हल्का हल्का आउटलाइन बनाई है मैंने इसमें। तो ये आप भी फोटोशॉप में बना सकते हैं, और इसके लिए भी मैं ये राउंड कैसे बनता है, ये बॉर्डर कैसे बनाना है, उसके लिए मैं आपको अगली क्लास में जरूर बताएंगे। उसके बाद हमने ह्यू सेलेक्ट करना है और इस बॉर्डर पे ड्रैग करना है, देन कलर पे जाइए और इसे 100 कीजिए। तो हमारा क्या होगा कि जो बॉर्डर का कलर ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो सिर्फ सिंपल बॉर्डर ड्रैग कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कलर चेंज हो तो इस तरह आप कीजिए कि जैसे अभी 1 सेकंड पे जाइए, 1 सेकंड पे जाने पर इसे थोड़ा और बढ़ाइए, तो ये कलर चेंज हो रहा है आपके बॉर्डर का। हम बॉर्डर को एमिनेट कर सकते हैं ना कुछ भी। तो ये देखिए हमारा इसमें कलर चेंज हो रहा है 3 सेकंड पे, थोड़ा क्रीम, देन उसके बाद हमारा तो इस तरह से हम लोग वैसे कर सकते हैं। इसे प्ले करके देखिए, सॉरी माय मिस्टेक, हमने एक छोटी सी गलती कर दी। हमने जैसे ही इसे एमिनेट करना है तो हमें यहाँ इसे क्लिक करना पड़ेगा, अगर क्लिक नहीं किया तो हमारा एनिमेट नहीं होगा। तो अब देखिए 1 सेकंड पे करते हैं, तो यहाँ कलर चेंज, और 2 सेकंड पे हमने कुछ और ग्रीन कलर किया, 3 सेकंड समथिंग न्यू, एंड 4 सेकंड रेड। तो इस तरह से हम लोग अपना जो बॉर्डर है उसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आप उसे भी एनिमेट कर बना सकते हैं। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए आपका बॉर्डर का कलर भी चेंज हो रहा है, और नाइस वन। तो इस तरह से आप लोग भी किसी भी डिज़ाइन में कर सकते हैं, और इसके सेंटर में आपके विजुअल्स, ग्राफिक्स, प्री जो भी आप चलाना प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी इसे हमें तो करते हैं रेंडर कैसे करना है। तो कंपोजिशन में जाइए, रेंडर, और रेंडर के लिए क्या होगा, हाई क्वालिटी में जाइए और उसमें आप DXV में जाना है आपने। याद रहे जो आपका चैनल है, आउटपुट चैनल है, ठीक है, आप क्विक टाइम भी कर सकते हो, लेकिन
आपका जो चैनल है वो RGB प्लस अल्फा होना चाहिए, और फॉर्मेट में आप हाई क्वालिटी विद अल्फा करोगे, विद अल्फा। और कुछ पुराने वर्जन हैं जिसमें DXV नहीं आ रहा, तो उसमें क्या होगा कि आपने सिंपली क्विक टाइम करना है, और प्रो एप्पल प्रो SS4444 करना है, तभी आपका जो इमेज है, जो आपकी वीडियो फाइल है, वो रेंडर होगी, वो ट्रांसपेरेंट होगी भी, आप उसमें विजुअल्स या कुछ भी प्ले कर सकते हो। RGB प्लस अल्फा करना कंपलसरी है चैनल में, आपको RGB प्लस अल्फा ही करना पड़ेगा। अगर आप अल्फा नहीं करोगे तो आपकी जो इमेज है वो रेंडर नहीं होगी, जो PNG आप चाहते हो इस तरह से रेंडर नहीं होगी। आप कुछ भी इसमें सेव करने के लिए ABCD कुछ भी नाम लिखिए, देन इसे सेव कीजिए। तो इस तरह से हम लोग कोई भी इमेज, कोई भी मतलब पहले डिजाइन हमने फोटोशॉप में किया, कोई भी डिजाइन उसे, और उसके बाद उसे एनिमेट कर सकते हैं किसी भी पैटर्न में, किसी भी पैटर्न के अंदर हम लोग एनिमेट कर सकते हैं। हम चाहे, डिपेंड करता है हमें कौन सा लुक चाहिए। हम तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।